तो दोस्तों आप एक बार और देख लीजिए फाइनली, जो मैं थोड़ा दूर से इसका लुक दिखा पा रहा हूँ। जो दोस्तों इस जगह से वो मशीन उधर से सुरंग टनल बनाती हुई आती है, तो इस जगह आके निकलेगी वापस। वो देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे भारत का नया भविष्य है, जो टनल यहाँ पर बनाई जा रही है। और तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आपको लेके आ गया हूँ बुलेट ट्रेन का कुछ नया अपडेट दिखाने के लिए। और दोस्तों ये जो अपडेट है बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वो सिर्फ पिलर या फिर नदियों के ऊपर जो ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं वही सब दिखाया है। आज की वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा जो पहाड़ी के अंदर जो बुलेट ट्रेन की सुरंग बनाई जा रही है, 280 मीटर की जो सुरंग बनाई जा रही है, उसका व्यू मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा दोस्तों। और हम लोग बिलार से 10 किलोमीटर आगे की साइड में आए, जहाँ पे पहाड़ी के अंदर जो सुरंग बनाई जा रही है उसका अपडेट मैं दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको आज का अपडेट कि कैसा काम चल रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे जो पिलरों का काम रहेगा वो भी दिखाऊंगा। 8 से 10 किलोमीटर तक का अपडेट आपको इसी वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हम ये सुरंग के हम लोग दूसरी तरफ आ चुके हैं, जो कि जा रही थी मुंबई की तरफ, और हम लोग कर रहे थे अहमदाबाद यानी उस तरफ से शूट कर रहे थे पहाड़ी के। तो वहाँ पे लगभग आधा सुरंग का काम कम्प्लीट हो चुका है, और इसको काम को चालू हुए 1 साल हो चुकी है। तो उधर से स्पष्ट ना बोल जाएगा, यहाँ पर परमिशन नहीं है बिल्कुल भी उस तरफ से। तो हमने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा दूर से दिखा दिया जाए किस प्रकार का काम यहाँ पर चल रहा है। बाकी जो भी होगा, जितना भी होगा उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। और ये एक छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बुलेट ट्रेन के पिलर वगैरह भी हमें कम्प्लीट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और ये चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। और दोस्तों ये मैं आपको जो पहली बार दिखाने के लिए आया हूँ इसका अपडेट, और ऐसा बता रहे थे उधर से, मैंने पूछा था कि इधर से भी सुरंग का काम बाकी है, इधर से भी मशीन लगाई नहीं गई है, बाकी खाली जो बाहर की तरफ जगह होती है ना उसका काम पूरा हो चुका है, और अंदर टनल का काम अभी बाकी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। तो मैं आपको नज़दीकी से दिखाऊंगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों ये वाली। आप इसी प्रकार से हमें सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आपको इसी प्रकार से नया नया अपडेट देखने को मिलता रहता है। जैसे कि हमने आपको कहा है कि आप जब भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दोस्तों इस जगह पर पिलर वगैरह सारे कम्प्लीट आप देख सकते हैं बनके, और यहाँ पर अभी टनल का काम चल रहा है दोस्तों काफ़ी जोरों शोरों में। दोस्तों अभी मैं आपको बता दूँ, इस जगह पर खाली 3 ही पिलर बनके कम्प्लीट हुए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि पिलरों के हिसाब से यहाँ पे जो इसका साइज सेट किया जाएगा आप देखेंगे ना, तो पिलरों के हिसाब से उसको पूरा सेट किया जाएगा। तो चलेंगे अभी आप पास नज़दीक से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जगह बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर खाली अभी तक 3 ही पिलर बन के कम्प्लीट हुए हैं, आगे का काम अभी पूरा का पूरा बाकी है। तो पहले मैं थोड़ा इस तरफ चलता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ पर 7-200 के पिलरों की पाइलिंग वगैरह काम कम्प्लीट कर दिया गया हो, और यहाँ पर जो 3 पिलर मैंने आपको दिखाई जो बन के रेडी हो चुके हैं, और अभी जो इसका उस तरफ काम चला ना ऐसे, वो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी हम लोग उधर से घूम के आए हैं पूरा गाइस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि इस जगह पर अभी पूरा का पूरा काम बाकी है, यहाँ पर ये पूरा रास्ता बना दिया गया है कि बुलेट ट्रेन का रूट निकलने वाला है, और यहाँ पर अभी कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, और यहाँ तक खाली 3 पिलरों का काम कम्प्लीट हमें दिखाई देता है दोस्तों। देखेंगे आप, अभी तक सिर्फ 3 ही पिलर बन के कम्प्लीट हुआ, और टनल का काम जोरों शोरों में चालू है। इस टनल का आधे से ज़्यादा काम कम्प्लीट हो चुका है उस तरफ से देखा था हमने, और यहाँ से देखेंगे कितना है। और शायद दोस्तों आपको देखने को मैं आपको यहाँ से एक बार जूम करके दिखा दूँ, पता नहीं नज़दीक से परमिशन है क्या नहीं, एक बार यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों। इस जगह से आप देख सकते हैं यहाँ से भी मतलब खाली खुदाई का काम चालू है, अंदर जो टनल मशीन काम करती है उस तरफ से काम करती हुई आ रही है देखिए दोस्तों। और ये पूरा पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी के अंदर से बनाई जा रही है टनल दोस्तों ये। तो थोड़ा सा और नज़दीक लेके चलता हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया उस तरफ से दिखाया था मैंने आपको, उधर से परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी जाने की, उधर से काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, और उधर से पूरी परमिशन लेनी पड़ती, हम लोग परमिशन लेने गए थे तो बंद था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ऑफिस अंडे की वजह से। और ये अपडेट देख लीजिए आप। तो दोस्तों अभी हम आए थे इस तरफ से जैसे कि मैंने आपको बताया, तो और यहाँ पे मैंने परमिशन ले ली है थोड़ी सी, बोले आप फोटो वीडियो शूट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आप काम खुद देख सकते हैं कितना जोरों शोरों में यहाँ पे काम चल रहा है दोस्तों। और ये टनल का काम है इस जगह से जो टनल बनने वाली, और यहाँ लिखा हुआ मुंबई साइड, और ये चैनेज नंबर 156 का मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ दोस्तों। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर काम जो है काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों में स्टार्ट है, और खुदाई का काम चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सब सामान इनका रखा हुआ है टैंकर वगैरह। और ये पूरा अपडेट
जो आपको दे पा रहा हूँ लाइव। तो दोस्तों इस जगह से वो मशीन उधर से सुरंग टनल बनाती हुई आती है, तो इस जगह आके निकलेगी वापस वो। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अभी पहाड़ियों से पत्थर वगैरह हटाए जा रहे हैं, क्योंकि भाई पहाड़ों के अंदर ज़्यादातर पत्थर ही निकलते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूँ। तो ये पत्थर वगैरह हटा के फिर वहाँ पर उस तरफ से जो टनल बनती हुई आ रही है, और यहाँ से पूरा मसाले से पूरा कर दिया गया पैक, ताकि ऊपर से कोई पत्थर वगैरह ना करे। सीमेंट का घोल मार के सरिये वगैरह डाले जाते हैं दोस्तों इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आपको दे पा रहा हूँ इस जगह का। देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे भारत का नया भविष्य है, जो टनल यहाँ पर बनाई जा रही है, और इधर का काम लगभग 6 महीने से स्टार्ट हुआ है, और उस तरफ का काम जो है दोस्तों 1 साल से स्टार्ट हो चुका है। और ये MSRC4 टनल मुंबई पोर्टल का जो अपडेट मैं आपको दे पा रहा हूँ दोस्तों, सेक्शन 4 में आता है ये भी, और सेक्शन 156 का मैं आपको अपडेट दे पा रहा हूँ दोस्तों, चैनेज नंबर 156 का सेक्शन 4 में ये आता है। और यहाँ से भी मिट्टी वगैरह उठाई जा रही है। तो मैं वहाँ से उस सुरंग का टनल का आपको काम दिखाया मैंने, इधर का ही देख सकते हैं आप। और मैं यहाँ से भी चल रहा हूँ नीचे की तरफ वापस, जो कि आपको उस तरह का अपडेट दिखाऊंगा, थोड़ा सा दूर से दिखा दूंगा कैसा अपडेट है, और आपको काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। फर्स्ट टाइम मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों, और इससे पहले आपने ये अपडेट कहीं नहीं देखा होगा। और ये सब मशीनें हैं जो प्रेशर का काम करती हैं। भैया ये मशीन किस चीज़ का काम करती है वाली, ये क्या काम करती है? अच्छा, ड्रिल जो होते हैं, प्रेशर मशीन जो ड्रिल करते हैं। अच्छा, तो वापस चल दिया मैं नीचे की तरफ आपको, और अपडेट दिखाया काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वाला। और अभी मैं आया था इस तरफ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ से पूरा काम चला था उस तरफ का, पूरा घूम के 1.5 किलोमीटर लगभग फिर यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं, जो आपको अपडेट दे रहा हूँ टनल का, यहाँ पर बनाई जा रही टनल। मैंने आपको ये अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया है दोस्तों, और आप एक बार फिर से देख सकते हैं यहाँ पर जो काम चल रहा है ना जोरों शोरों में। ये गाँव है छोटा सा, यहाँ पर 2-4 घर हैं गाँव, और इस गाँव को बोलते हैं जरोली। इस जरोली विलेज के पास ही इसका अपडेट चल रहा है सुरंग का दोस्तों। तो दोस्तों सूरत से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर आपको ये अपडेट देने के लिए आए थे हम लोग। सो गाइस, जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया सुरंग का जो किस तरह से काम चल रहा था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि ऐसा अपडेट मैंने शायद पहले कभी दिया नहीं है, क्योंकि हम लोग सूरत से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके हैं दोस्तों। तो सूरत से करीब 150 किलोमीटर दूरी पे हम लोग आए थे खासकर आपको ये अपडेट देने के लिए कि सुरंग का काम किस तरह से चालू है और कैसा काम चालू है, जो कि आपको वीडियो में देखा होगा। और सुरंग से कुछ आगे तक का जो पिलर का काम है, वहाँ तक की मैं वीडियो आपको इसी वीडियो में बना के दिखाऊंगा। जो थोड़े बहुत पिलर बने हुए हैं वहाँ की भी वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना हमारे चैनल को। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये इस प्रकार का रोड था जहाँ के आए थे, पूरा पहाड़ी लगा है दोस्तों, आप देख सकते हैं चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, पूरा घूम के जाना पड़ेगा, 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है ये वाला। और उधर उस तरह का आपको काम दिखाऊंगा, वहाँ पर पिलरों का काफ़ी ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आपको मैं बता दूँ ना, कभी आएंगे यहाँ पर हम लोग, मतलब परमिशन लेके, जब यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद मिलेगा सर हमें, तो उनसे हम परमिशन लेंगे। परमिशन लेने हम आज भी गए थे हालांकि, तो उधर आज ऑफिस था, संडे की वजह से बंद था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। तो फिर कभी आएंगे ना तो दोस्तों आपको अंदर तक का अपडेट दिखा के जाएंगे पूरा, कि टनल का काम कितना हो चुका है, कितना बाकी, कैसा महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद, क्योंकि यहाँ पर अभी काम 1.5-2 साल चलने वाला है दोस्तों टनल का काम। और ये गांव है छोटे मोटे जहाँ पर हम लोग आए हैं अभी, जगह जगह पर 1-2 घर बसे हुए हैं, पूरा पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है दोस्तों। ये अपडेट दे पा रहा हूँ मैं आपको, और ये इस प्रकार का रोड था दोस्तों। देख सकते हैं हम अभी हम दूसरी तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर टनल आधे से ज़्यादा बन के कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ से हम आपको अपडेट दे नहीं सकते दोस्तों, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे पिलर कम्प्लीट हैं, तो यहाँ पर इस तरफ का काम चल रहा है दोस्तों टनल का, मैं आपको दिखा दूँ ये सब इस तरह का काम चल रहा है टनल का, आप देख सकते हैं दोस्तों इधर। फाइनली दोस्तों अभी हम दूसरी तरफ आ चुके हैं, ये अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने पिलर वगैरह सारे कम्प्लीट हैं बन के,
और इस जगह पर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर चल रहा है टनल का काम। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये टनल काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है बनके। और यहाँ से हमने अपना ब्लॉग उस तरफ से आए थे, यहाँ पे हमने दिखाना आपको स्टार्ट किया दोस्तों। अपडेट दिया दोस्तों मैंने आपको भी, आपने देखा होगा कितना इंटरेस्टिंग अपडेट आपको दे पा रहा हूँ मैं अभी, ये जो बुलेट ट्रेन का यहाँ पर टनल वगैरह बनाई जा रही है दोस्तों। और यहाँ पर काफ़ी सारे घर वगैरह तोड़ दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे घर वगैरह थे जो तोड़ दिए गए हैं। और ये पायर नंबर 157, पिलर नंबर 5 जो अपडेट आपको मैं दे पा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए। और अभी धूप बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आप एक बार और देख लीजिए फाइनली, जो मैं थोड़ा दूर से इसका लुक दिखा पा रहा हूँ, जो कितना ज़्यादा यहाँ से लगभग काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख के अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि जो ड्रिल मशीन अंदर काम करती है, बड़ी वाली टनल का काम करती है दोस्तों। जैसे कि वीडियो में आपको दिखा रहा था, जो उस साइड का अपडेट दिखा रहा था, और जो अहमदाबाद की साइड का जो मैं आपको अभी अपडेट दिखा रहा था, और अभी मैं आ गया हूँ इस तरफ। और इस तरफ सामने आप देख सकते हैं जो टनल है, ये मुंबई की साइड में आपको, ये मुंबई की साइड का जो मैं आपको अपडेट दिखा रहा था, और अभी इस साइड है अहमदाबाद, ये अहमदाबाद को जाता है। और अभी मैं आपको थोड़ा आगे और लेके चलूँगा, जहाँ पर लॉन्चिंग मशीन भी लगी हुई है और सारे पिलर वगैरह कंप्लीट जैसे नज़र आ रहे हैं। और ये काम बहुत ही स्पीड से हो रहा है दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये काम चालू हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि पिछला अपडेट मैंने आपको दिखाया था, जो टनल बनाई जा रही है उसका भी मैं आपको व्यू दोनों तरफ का दिखा दिया, लगभग सब पूरा दिखाई दिया दोस्तों मैं आपको बता दूँ। तो अभी हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा पिलरों का काम पूरा कम्प्लीट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर लॉन्चिंग का काम स्टार्ट होना बाकी है। लॉन्चिंग का काम पूरा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि वो टनल का काम आधे से ज़्यादा होगा, पूरा आधा मतलब आधा तो बन चुका है, दोनों तरफ का आर पार हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जल्दी लॉन्चिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ। और ये देखिए इसका जो व्यू आपको मैं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, जब सामने आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी आपको क्रेन मशीन में दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और काफ़ी सब भारी भारी सामान जो उठाकर जो लॉन्चर मशीन का सारा सामान होता है उसको सेट किया जाता है उस मशीन द्वारा, उसी का अपडेट आपको नज़दीकी से दिखाने वाला हूँ मैं भी। जैसे कि आप सामने आप देख रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्रेन मशीन है। हालाँकि क्रेन मशीन कई प्रकार की होती हैं, एक जो बिल्डिंगों के ऊपर सेट की जाती है वो क्रेन मशीन होती है, लेकिन जो ज़मीन पर चलती है जेसीबी टाइप की, वो वाली क्रेन मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भारी भरकम सामान जो होते हैं, यहाँ तक के पूरे पिलर कंप्लीट हैं, इसके आगे आधे आधे पिलर अभी बने हैं दोस्तों, वो भी आपको देखने को मिलेंगे जल्दी, इसके बाजू में देखेंगे आप तो वो पिलर अभी आधे ही बने हुए हैं दोस्तों। ये जैसे भारी भारी सामान उठाती है, जैसे मैंने आपको बताया था लॉन्चिंग मशीन का सामान होते हैं उसको उठाती है ऊपर की तरफ ही है। ये देखिए अभी यहाँ पर बांध के इसको सेट किया जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर अभी खाली आधे आधे पिलर ही बने हैं दोस्तों। और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, हम आपको नए नए अपडेट देते रहते हैं, नए नई चीज़ें दिखाते हैं, और आप सभी हमें सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर अपडेट, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ नया अपडेट दिखाया, और मेरे पीछे जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं आप, उसके अंदर जो सुरंग बनाई जा रही थी उसका अपडेट भी मैंने आपको दिया। और ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, इसके लिए मैं इस वीडियो को दो भाग में बांटूंगा दोस्तों। इससे अगले भाग में आपको देखने को मिलेगा कि सुरंग से आगे का काम, पिलरों का काम कैसे चल रहा है, कितना हुआ है, वो सब आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये मैंने नया अपडेट दिया और बहुत ही लेटेस्ट अपडेट था, क्योंकि ये सुरंग का काम था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग सूरत से 150 किलोमीटर दूरी पर खास तौर पर आपको इसी अपडेट को दिखाने के लिए आए थे। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।